क्या आप डबल चिन से सफर कर रहे हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर देखें। आई एम डॉक्टर बी के गर्ग, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, प्रैक्टिसिंग इन न्यू दिल्ली एंड गुरुग्राम सिंस लास्ट 20 इयर्स। दोस्तों, डबल चिन एक बेहद कॉमन प्रॉब्लम है और हम हर रोज इसके बारे में काफी क्वेश्चंस भी आंसर करते हैं और काफी लीड्स भी हमें इसके बारे में मिलती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल चिन क्यों दिखाई देता है या डबल चिन के मेन कारण क्या है। आइए सबसे पहले जानते हैं डबल चिन के दिखाई देने के तीन मेन कारण क्या है। नंबर वन, डबल चिन का मोस्ट कॉमन रीजन हो सकता है एक्सेसिव फैट डेपोजिशन, जिसका मीनिंग है आपके चिन के नीचे के एरिया में एक्सेसिव फैट डेपोजिशन हो चुका है। ये फैट डेपोजिशन सिलेक्टिव भी हो सकता है, जिस केस में आपका वेट नॉर्मल था और सिर्फ चिन के एरिया में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है, या कई बार ये ओवरऑल वेट गेन का पार्ट भी हो सकता है। अगर आपको सिर्फ एक्स्ट्रा फैट डेपोजिशन का इशू है तो इसको ट्रीट करना काफी सिंपल है और लाइपोसक्शन से इसको ठीक किया जा सकता है। सेकेंड रीजन जो डबल चिन का हो सकता है वो है स्किन लैक्सिटी या लूज स्किन। ये जनरली एजिंग के कारण होता है या किसी और कारण, जिसके अंदर एक्सेसिव वेट लॉस भी एक कारण हो सकता है। लूज स्किन के कारण भी कई बार डबल चिन की अपीयरेंस आती है, खासकर साइड से देखने से। तीसरा कारण जिसको हम सभी लोग या आप में से बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, जिसको समझ नहीं पाते हैं और जो इजिली दिखाई नहीं देता है, वो है अंडर डेवलप्ड चिन। चिन बोन्स ठीक से डेवलप नहीं हुई है, उसके बाद एक्स्ट्रा फैट भी नहीं है और एक्स्ट्रा स्किन भी नहीं है, बावजूद उसके आपको कई बार डबल चिन की अपीयरेंस दिखाई देती है। उसका मेन रीजन है कि चिन बोन पूरी तरह से डेवलप नहीं है या प्रोमिनेंट नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो उस केस में मिनिमल स्किन लैक्सिटी या थोड़ा सा फैट होने से भी डबल चिन की अपीयरेंस आ जाती है। अब इन तीनों कंडीशंस का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अभी हम बात करेंगे डबल चिन के इन डिफरेंट रीजंस को कैसे ट्रीट करते हैं। एक्स्ट्रा फैट डेपोजिशन हम लाइपोसक्शन से ट्रीट कर सकते हैं, इससे कुछ स्किन टाइटनिंग भी हो सकती है, मिनिमली इनवेसिव प्रोसीजर है, फास्ट रिकवरी है। सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा स्किन हो तो हमें फेस लिफ्ट या नेक लिफ्ट प्रोसीजर भी करना पड़ सकता है, और अगर बोन डेवलप नहीं है तो उसके लिए चिन इम्प्लांट की जरूरत है। तीनों सर्जरीज डिफरेंट हैं और तीनों को एक साथ भी किया जा सकता है। डबल चिन प्रॉब्लम से अगर आप सफर कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सपीरियंस्ड ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन से मिलें। वो आपको ठीक से एवेल्युएट करके आपके डबल चिन के सही रीजन के बारे में बता सकता है। इस सर्जरी को लेके अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं या कोई और जानकारी चाह रहे हैं, प्लीज फील फ्री टू गेट बैक टू अस। वी बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। वी आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।